नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां सामाजिक न्याय और ओबीसी नेताओं के विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाहियों सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को छतरपुर के मेला ग्राउंड में आयोजित ओबीसी महासभा के आंदोलन में भाषा की मर्यादाएं टूटती नजर आईं। ओबीसी महासभा के कई नेताओं ने आपत्तिजनक भाषा में बात की। किसी ने रेप की घटनाओं के बाद थानों को जलाने, थाना प्रभारियों सहित रेपिस्ट का साथ देने वाले नेताओं की हत्या करने के लिए जनता का आह्वान किया, तो किसी ने छतरपुर में 3 ओबीसी नेताओं के विरुद्ध हुई एफआईआर को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। हम आपको बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ओबीसी महासभा के बैनर तले आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ओबीसी महासभा में शामिल होने बाहर से आए पदाधिकारियों ने पूरे जोश खरोश के साथ ओबीसी के मुद्दों को उठाकर विरोध प्रदर्शन किया और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में मौजूदा सरकार को सबक सिखाने का ऐलान भी मंच से किया। हम आपको बता दें कि पूर्व में एक मामले में खजुराहो थाना क्षेत्र अंतर्गत ओबीसी वर्ग के 3 युवकों पर 376 का मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर भी ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था और ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि यह प्रकरण वापस लिया जाए। कुल मिलाकर छतरपुर के मेला ग्राउंड में आयोजित आम सभा में जिस प्रकार से 10,000 से ज्यादा लोगों के जुटने के दावे किए जा रहे थे, वह खोखले साबित हुए हैं और महज 1,000 के लगभग लोग शामिल हुए। आज की सभा को लेकर क्यों आपको जरूरत पड़ी छतरपुर आने की? छतरपुर इसलिए जल्दी पड़ी, एक तुम्हारे नरेंद्र पटेल जी हैं, इन पे ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं और इनकी आवाज़ को दबाने के लिए छतर वगैरह की जा रही है। ये चीज़ें हमने कभी सुनी नहीं है, वो चीज़ें इन पर की जा रही है। ओबीसी और SC ST पर इनको मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं, दोनों चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए मैं इन लोगों को सारी जितनी करतूतें हैं वो हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं इनको, और देश में ले जाके ओबीसी SC और ST को हम एकत्रित करना चाहते हैं और इनको एकत्रित करके एक छत के नीचे लाना चाहता हूँ मैं, और एक छत के नीचे लाने में जब हम इसमें लड़ाई लड़ेंगे। तो आगामी दिनों में क्या चुनाव लड़ेंगे? आपने कहा भी है कि क्या बीडी शर्मा आपको चुनाव लड़ेंगे? वो तो यहाँ की जनता कहेगी तो चुनाव लड़ जाऊँगा मैं, यहाँ से जनता के ऊपर है। तो यहाँ की अगर लोगों को लगेगा कि भाई चुनाव लड़ी है तो चुनाव लड़ेंगे। शर्मा को लेकर क्या कहेंगे? बीडी शर्मा को क्या कहेंगे भाजपा? बीडी शर्मा को वापस भेजने की बात कह रहे हैं, स्टेट से वापस भेज दो, चंबल से आए हैं, क्या कहना है उनके लिए? मैंने तो नहीं कहा था चंबल से भेज दो, मैंने निकाली चंबल से भेज दो, मैंने उनको देश में ही रखेंगे और मेहमान की तरह रखेंगे, किसी को उनको हाँ, लेकिन उनसे हम आगाह जरूर करेंगे ऐसी चीजें न करें जिससे इस सरकार को और देश को खतरा हो, ऐसी चीजें न करें। किससे आगाह? पूरी सरकार से करेंगे हम, दोनों से, जो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जो भी सरकार बनाएंगे, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, हम दोनों को बोलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोगों का बात हुआ था, पाकिस्तान बीच में लिया था, वेरे क्या है यार, कोई आदमी दिन पर झूठ बोला, उसकी झूठ को कहते बोलोगे तुम किसी चीज़ को? आप लोगों को मालूम नहीं है क्या 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 करते हैं यहाँ पे, क्या नहीं करते सब मालूम है आप लोगों को? आज की घटना, कल की घटना सुन लो, मैं पहले तो ये जानता नहीं ये कथा कथित कैसे बोलते हैं, मैं ये नहीं जानता अभी तक। एक हमारे यहाँ एक निशा लड़की है शर्मा करके, एक कथावाचक है ग्वालियर के अंदर, मैं जाके ज्ञापन दे के आया हूँ, उस कथावाचक उस अपनी पत्नी को पेश करता है कहाँ, अपने गुरुओं को और अपने समान साथियों को बुला के बताइए कि कथावाचक व्यक्ति जो ज्ञान की पीठ पर बैठा है और अपनी धर्म पत्नी को जगह जगह पेश कर रहा है, डांस करवा रहा है, बियर पिलवा रहा है, ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ में क्या कहोगे इस चीज़ को? वो पूरे ब्राह्मण समाज पर घूम के आई है वो बच्ची, किसी ने उसको सहारा नहीं दिया। मैं 11 तारीख को घेराव कर रहा हूँ ग्वालियर के अंदर उसके पिछले बीडी शर्मा नहीं, सब पे गई वो बच्ची, बीडी शर्मा पे गई, नरोत्तम पे गई, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं था नेता जिस पे वो न गई हो, अधिकारियों पे गई वो बच्ची। भाई उस बच्ची के साथ में क्या हो रहा है मैं कहता हूँ आपको, क्लिपिंग भी दिखा सकता हूँ इसमें से, मैं आपको मेरे पास की क्लिपिंग भी है कि उसको फांसी लगा रहे हैं, कहीं उसको छेड़ रहे हैं, कहीं उसको अंगों को पकड़ रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है बताइए। और ये लोग मंच पर बैठ कर और गद्दी पर बैठ करके